नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है और इस बीच उन्हें राम की याद आ गई है और उन्होंने इसी को लेकर बेतुका दावा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम भी नेपाली हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का विवादित बयान आपको बता रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल ने सीता दी और नेपाल ने ही भगवान राम भी दिए। तो भारत पर सांस्कृतिक दमन और तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप भी लगाया है केपी ओली ने। सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने बयान दिया है कि भगवान राम भारतीय नहीं है, नेपाली हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि असली अयोध्या भारत में नहीं है। नेपाल के बीरगंज में उन्होंने बताया है कि असली अयोध्या है। केपी ओली ने अपने निवास पर भानु जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया। ओली ने कहा कि विज्ञान के लिए नेपाल के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया गया। उन्होंने साथ ही इसकी जो दलीलें दी हैं उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि बीरगंज के पास थी अयोध्या। उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिए हैं और साथ ही हमने राम अयोध्या से दिए हैं लेकिन भारत से नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज का एक छोटा सा गाँव था। उन्होंने कहा कि हमारा सांस्कृतिक दमन किया गया है और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अपने दावों का दम कैसे भरा है केपी ओली ने, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जिस अयोध्या का दावा भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, वहां से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुर कैसे आए जब संचार का कोई माध्यम ही तब नहीं था। उन्होंने साथ ही कहा कि उस समय कोई फोन नहीं थे, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया। अहिले पनि खाँदिरहेका छौँ हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएको थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर थिया, अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि फोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका तो केपी ओली ने भगवान राम को नेपाली बता दिया है। एक विवादित बयान केपी ओली के द्वारा दिया गया है। तो नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा के बयान पर अयोध्या के साधु संतों में काफी नाराजगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने नेपाल के पीएम के बयान को बेतुका करार किया है। सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले, लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल कल बहती हुई माँ सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहाँ पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके उससे वार्ता करें कि वो माफ़ी मांगे। क्या और साफ तौर पर जो जिस तरह का विवाद चल रहा है सीमा पर, उस बीच ऐसा बयान देना, तो हर चाल चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण के दुस्साहस के बाद अब भारतीय आस्था को भी चुनौती दे डाली है।
उन्होंने विवादित बयान दिया है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या अब नेपाल में, उन्होंने बता दिया है कि अयोध्या नेपाल में है। दरअसल उन्होंने ये भी दावा किया है कि भगवान राम नेपाली थे। तो सीधे तौर पर नेपाल की पीएम मोली ने भारतीय आस्था को चुनौती दे डाली है, ऐसा बयान देखे, जिससे साधु महंत भी काफी ज्यादा अयोध्या के रोष में नजर आ रहे हैं। काठमांडू के पीएम आवास में सोमवार को कार्यक्रम रखा गया था, वहीं पर उन्होंने कहा कि अयोध्या असल में नेपाल के वीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोरी शहर में है और भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां पर हुआ था, लेकिन दरअसल असली अयोध्या नेपाल में है। लगातार दावे के कारण उन्होंने कहा कि हम मानने लगे हैं कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था, जबकि असलियत में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गांव में है। नेपाल के पीएम ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है, ये तक उन्होंने कह डाला है। अब दलीलें भी उन्होंने अजीबोगरीब देनी शुरू कर दी है अपने इस बयान पर। उन्होंने दावा किया है कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है और वो पवित्र स्थान जहां राजा दशरथ ने पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ किया था वो रिधि है। और उन्होंने कहा कि दशरथ पुत्र राम एक भारतीय नहीं थे और अयोध्या भी नेपाल में है। ओली ने अपने इस ओछे दावों पर दलीलें दी हैं और कहा है कि जब संचार का कोई तरीका नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आ गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भगवान राम के लिए तब ये असंभव था कि वो भारत स्थित मौजूदा अयोध्या से जनकपुर तक आते। ओली ने कहा कि जनकपुर यहाँ और अयोध्या वहाँ और हम विवाह की बात कर रहे हैं, तब ना मोबाइल फ़ोन था और ना ही टेलीफोन, तो उन्होंने जनकपुर के बारे में कैसे पता चला उन्हें। आपको बता दें कि चीन की शह पर लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है नेपाल और नेपाली पीएम ने इस तरह का बयान दिया है। उससे पहले भी हाल ही में भारतीय क्षेत्र लिपुलेख और काला पानी पर अपना दावा ठोकते हुए उसने अपने नए विवादास्पद नक्शे में भी शामिल कर लिया था। पिछले दिनों ओली ने अपनी पार्टी के सहयोगियों द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के लिए भी भारत को दोषी ठहराया था। दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ गए थे भारत और नेपाल के। एक रैली के दौरान भी पीएम ओली ने आरोप लगाया था कि उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता जो कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे भारत के इशारे पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारतीय दूतावास और होटलों में षड्यंत्र रचा जा रहा था। नेपाल से पंकज दास हमारे साथ जुड़ गया है। पंकज दास जी, जो ये बयान दिया गया है नेपाल के पीएम के द्वारा सीधे तौर पर विवादास्पद है और जो उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है, अब इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान को लेकर एक तो सबसे पहले लोग हंस रहे हैं। हाँ। नेपाल की जनता ही सब पहले तो उन पे हंसती है कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, या वो किडनी का ट्रांसप्लांट करा के आए तो स्टेरॉइड की दवा यूज कर रहे हैं, क्या वो ओवरडोज हो रहा है इस वजह से ये उन इस तरह की कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री ओली ने ये बातें कही है। इसके पीछे दो वजह है। पहला तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये शुरू से एजेंडा रहा है, इस बात को हमें समझना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चाहती है कि भारत के साथ जो नेपाल के लोगों का जो संबंध है, जिस तरह के संबंध है वो सभी खत्म किए जाए। जैसे नक्शा जारी करके उन्होंने कूटनीतिक संबंध खत्म कर लिया, विवादित बयान इससे पहले देकर उन्होंने राजनीतिक संबंध को तोड़ा, नागरिकता का कानून लाकर उन्होंने जो पारिवारिक संबंध है भारत और नेपाल के बीच में उस पर प्रहार किया है। इस तरह से अब भगवान राम और अयोध्या की बातें करके वो जो दोनों देशों के बीच एक धार्मिक संबंध है जो हमारी आस्था पर प्रहार किया है। तो एक तो कारण यह है,
दूसरी कारण है कि अब प्रधानमंत्री चारों तरफ से असफल नजर आ रहे हैं, न तो ठीक से कोरोना के की व्यवस्थापन कर पा रहे हैं, इस समय देश पूरे देश भर में बाढ़ से लोग आक्रांत हैं, उस पर उनकी उनका ध्यान नहीं है, पार्टी के भीतर अंदरूनी बहुत विवादे हैं, पार्टी उनसे संभल नहीं रहा है, सरकार उनसे चल नहीं रही है, इतना बड़ा नक्शा छाप के जो उन्होंने हाय तौबा मचा के रखा था, अब लोग पूछने लगे कि वो जमीन कब वापस लाएंगे या वो सिर्फ एक स्टंट था। तो इन सभी से बचने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा कोई ना कोई इस तरह का विवादित बयान देते हैं ताकि लोगों का जो ध्यान है वो असली मुद्दे से भटक कर इस तरफ ही रहे, और वो चाहते हैं कि ये वो जो बातें बोलते हैं उनको मीडिया बहुत अधिक तवज्जो दे ताकि लोग सारे इसी पर चर्चा करते रहे, जो असली मुद्दा है उससे भटक जाए। तो एक तो कम्युनिस्ट का जो अपना एजेंडा है वो उसको उन्होंने आगे कर दिया है, दूसरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको मालूम है कि किसी भी समय उनकी कुर्सी उनके पार्टी के लोग निर्णय करके उनकी कुर्सी जा सकती है। तो ऐसे समय में जब उनका यहाँ से विदाई हो, प्रधानमंत्री पद से वो हटे, तो लोगों को उनकी असफलताएं याद नहीं रहे, चर्चा में रहे। आपके पास लौटेंगे विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। विजय मिश्रा, एक तो सीमा विवाद, ऊपर से भारत के आस्था को चैलेंज करने का काम किया है उन्होंने। देखिए इस समय उनके पास जाहिर है कि अपनी सरकार गिरने से बचाने के लिए कुछ ऐसे एजेंडे को लेकर के आना है जिसकी वजह से कम उनके देश के लोगों का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा सके और कम से कम जनता का समर्थन जो है वो उन्हें हासिल हो सके, और वो तभी हो सकता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अलग अलग तरीके से भारत को डिस्टर्ब कर सकें। हालांकि ये चीज़ उन्होंने देख लिया कि जब चाइना जैसा देश भी यहाँ पर भूमि विवाद को लेकर के जब पीछे हट गया, जिसकी वजह से खुद नेपाल भी जिनके धक्के से आगे बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें यह लगा कि अब सीमा विवाद पर बयान देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा, क्योंकि जब चाइना जैसा देश पीछे जा सकता है तो नेपाल की औकात ही क्या है। तो ऐसे में अब धार्मिक रूप से सीधे तौर से यह प्रहार करना चाह रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो खुद के MMS बने हुए हैं, जो खुद के वीडियो बने हुए हैं, या जो खुद के इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो महिला राजदूत चाइना के साथ जो उनके संबंधों का खुलासा हुआ है, उन सभी चीजों से बचना और कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाना और चाइना के साथ उनके जो संबंध है उसके खुलासे के बाद से इस तरह के बयान जानबूझकर के दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन की कोशिश की जा रही है, आपको देखकर के किया जा सकता है कि डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो, और जाहिर सी बात है कि उनके बने हुए हैं लाइव हमारे साथ अबुल बशर। देखिए अब जो बयान उन्होंने दिया है उस पर अब वो लॉजिक भी देने लग गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले संचार का कोई माध्यम नहीं था, जनकपुर से कैसे शादी हो जाती है, इसलिए सीधे तौर पर अयोध्या नेपाल में है, और उल्टा आरोप भारत पर लगा दिया गया है षड्यंत्र रचने का और आस्था खिलवाड़ करने का नेपाल के साथ। देखिए यह मसला सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह मसला अगर देखा जाए तो सीधे सीधे नेपाल के लिए भी है। नेपाल को यह बयान, ओली का यह बयान कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी उतना ही तकलीफ देगा जितना हिंदुस्तान के लोगों को दे रहा है, क्योंकि माता सीता जिस तरीके से भगवान श्री राम है उतना ही स्थान हम लोगों के लिए माता सीता का भी है, और उसी तरीके से नेपाल की जनता भी माता सीता और भगवान राम में आस्था रखती है। तो ऐसे में आज जब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हिंदुस्तान के नहीं थे, तो ऐसे में साफ उठता है कि नेपाल की जनता भी इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और उनका ये बयान कहीं ना कहीं अमर्यादित है, असंसदीय है, साथ ही साथ मानसिक दिवालियापन का एक सीधा जीता जागता एक उदाहरण है, क्योंकि अयोध्या नगरी पर सवाल उठाना, अयोध्या भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ वो अयोध्या सरयू नदी के तट के किनारे है, तो इस तमाम ऐसे वेद और चाहे रामायण चाहे वाल्मीकि रामायण की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं, साक्ष्य हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अयोध्या नगरी, हालांकि इस बात को जताने की नेपाल के प्रधानमंत्री को सेकनी है। ठीक है, बहराइच का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा भी वहां से बने हुए हैं। संजय मिश्रा, अब देखिए साधु संतों में काफी रोष है इसको लेकर, उन्होंने कहा जिस तरह का बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और सीधे तौर पर गुस्सा जाहिर करते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं इस पूरे मसले पर, और मांग की जा रही है कि माफी मंगवाइए आप उनसे। नलनी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय नेपाल सीमा पर हूं, और जो ये विवाद चल रहा है जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो एक विवादास्पद बयान दिया है, बेहद शर्मनाक कहा जाएगा, और ये उनकी एक नई चाल कही जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने जब ये देखा कि अब हम किसी भी कीमत पे भारत से हम जीत नहीं सकते हैं,
तो भारत और नेपाल के बीच में कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिसमें जिसमें कि भारत और नेपाल में विवाद उत्पन्न होता रहे और उसमें हम कहीं ना कहीं से सफल हो जाएं। लेकिन और उसी के तहत ये बयान दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा से जुड़े जितने भी जनपद हैं, अगर वहां अगर सर्वे करवा लिया जाए तो तकरीबन कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां कम से कम 5 से 10 हजार के संख्या में लोग ऐसे नहीं निकलेंगे जिनके संबंध नेपाल और भारत में हैं। यानी साफ तौर पे कहा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में बेटी और रोटी का रिश्ता है। और ऐसे में जिस तरीके से केपी शर्मा ओली ने यह कहा है कि अयोध्या जो है वो नेपाल में है, यानी भगवान श्री राम का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ है, बेहद विवादास्पद बयान है ये चाइना की एक चाल कही जाएगी। और कहीं ना कहीं जो ओली है वो इस समय मानसिक दिवालियापन उनको दिखाई पड़ रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि हमारी सरकार गिरेगी। और जो ये उन्होंने बयान दिया है इसे भारत ही नहीं नेपाल के लोग इस बयान को स्वीकार नहीं करेंगे और उनको कतई माफ नहीं करेंगे। पंकज दास जी, आपको क्योंकि 5 या 10 साल का कोई रिश्ता तो है नहीं नेपाल के साथ, सदियों पुराना रिश्ता है भारत और नेपाल का। ऐसे में चीन के इशारे में जो कर रहा है नेपाल, एक तो सीमा विवाद और ऊपर से इस तरह का बयान, लेकिन नेपाल के जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो सीधे तौर पर समझ रहे हैं इस बात को। बिल्कुल नलिनी, देखिए क्या है कि यहाँ की लोग, यहाँ की जो जनता है वो उस रूप से इस बात को समझ रहे हैं कि नेपाल की सरकार की वजह से उन्हें आगे बहुत परेशानी होने वाली है। जिस तरह के कदम नेपाल की सरकार उठा रही है एक के बाद एक भारत के साथ अपने सारे रिश्ते को तोड़ने के लिए और चीन के इशारे पर, तो इससे खामियाजा सरकार को तो नहीं लेकिन आम जनता को, खासकर उन जनता नेपाल की उन जनता को होने वाली है जिसका संबंध सीधा संबंध भारत से, जो भारत पर आश्रित है, जो बॉर्डर पर रहने वाली नेपाल की 51% जनसंख्या है, उनको सबसे ज्यादा इस बात से आघात पहुंचा रहा है, उनको इस बात की चिंता अब लगने लगी है। साथ ही जो नेपाल में उन्हीं की पार्टी के लोग है, अभी अभी उनके पार्टी के जो विदेश विभाग के उपप्रमुख है विष्णु रिजाल, कम्युनिस्ट नेता है, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही कड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के इस बयान का विरोध किया है। इसी तरह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय ने, पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा सहित तमाम लोगों ने उनका विरोध किया कि प्रधानमंत्री को इस तरह की अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य इलाज कराए पार्टी, यहां तक मांग उठने लगी है। और आम लोग हंस रहे हैं उनकी बातों पर, उनकी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि हम किस देश में रह रहे हैं और हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। अब ये शर्म की बात होने लगी है यहाँ के लोगों के लिए, तो लोगों को बहुत अधिक चिंता होने लगी कि पता नहीं प्रधानमंत्री इस देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें 2/3 का बहुमत प्राप्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा जो भारत के साथ जो पौराणिक संबंध है, हमारे ऐतिहासिक संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, कई संबंधों पर उन्होंने छूट कर दिया है और ये एजेंडे के तहत किया है। वो ये आज का आज उनका ये एजेंडा और अचानक से नहीं आया है, जब जब वो सत्ता में आते हैं तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं। हमेशा वो भारत के साथ जो नेपाल भारत मैत्री समझौता हुआ है उस पर वो सवाल खड़े करते हैं कि उसको खत्म किया जाए, ये हमेशा से उनकी मांग नहीं है। और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ही भारत का विरोध करने के लिए हुआ है, चाहे वो माओवादी का हो, चाहे वो और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों का है, जो इस समय सभी मिलकर एक हो गए हैं और उन्हें इस तरह का प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमें सचेत रहना होगा। और नेपाल को देखने का हमारा जो दिल्ली का जो नजरिया है, नेपाल के बारे में जो हमारी नीति है, उसको अब इस ढंग से अब बदलने की जरूरत है। बिल्कुल अबुल बशर, आप देखिए क्योंकि काफी मांग उठ रही है, साधु संत भी अयोध्या के काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। जो बेतु का बयान दिया गया है, मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री से ये मांग की जा रही है कि माफी मंगवाइए उनसे, जो बेतु का बयान दिया गया उनके द्वारा, किस तरह से अब लोग और साथी साधु संत का रिएक्शन सामने आ रहा है अयोध्या से? देखिए साधु संतों में बेहद नाराजगी है क्योंकि धर्म नगरी अयोध्या में जो 5,000 से ज्यादा मंदिर मठ मंदिर है और सब में साधु और पुजारी है और ये पूरा मंदिरों का शहर है। ऐसे में धर्म नगरी अयोध्या के साधु संत इस बयान पर ओली के बेहद नाराज हैं। सबका ये कहना है कि ओली को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए और कहीं ना कहीं कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर नेपाल सदियों से अपने संधि को नहीं जान सका कि उनके संधि कहाँ के हैं, तो ऐसे में नेपाल को बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत है। ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन ये बयान अगर देखा जाए वास्तविकता के तौर पर तो ये बयान बेहद शर्मनाक है।
क्योंकि ये बयान उस वक्त आया है जब नेपाल को हिंदुस्तान से अपने रिश्ते दोबारा एक बार मजबूत करने की एक बात सख्त जरूरत थी, क्योंकि नेपाल ने अपनी सीमा को लेकर तमाम बयान दिए जिससे दो देशों के बीच एक खटास पैदा हो गई थी। तो ऐसे में अब एक बार फिर जरूरत थी कि कहीं ना कहीं नेपाल को ये सोचना था कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे हिंदुस्तान से उसके रिश्ते फिर से मधुर हो सके, लेकिन चूंकि वो चीन के लगातार बहकावे में है, ऐसे में उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सीधे तौर पर जो बयान केपी ओली के द्वारा दिया गया नेपाल के पीएम के द्वारा, नाराजगी हालांकि पूरे देश में देखने को मिल रही है, आप इसे कैसे देखते हैं और माफी मांगने की मांग भी की जा रही है? नहीं देखिए, ऐसा है कि यह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान के इशारे पर ओली ने ये बयान दिया है। हाँ। और वैसे भी देखिए, वहाँ का जो राज परिवार था, पूरे राज परिवार की हत्या चीन और पाकिस्तान के इशारे पर माओवादियों ने करके वहाँ की सत्ता को हासिल किया है। और जब से ओली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना है, तब से नेपाल की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है। और ओली ने जो बयान दिया है अयोध्या का, उन्होंने अयोध्या देखिए ऋग्वेद से लेकर के जितने पुराणों में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण हो गया चाहे तुलसीकृत रामायण हो गया, कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होती है, नेपाल में सरयू है ही नहीं है। और दूसरी बात यह है, महाराज दशरथ की राजधानी नेपाल में कहाँ है? पहले ओली इस बात को सिद्ध करें, क्योंकि ऋग्वेद से लेकर के जितने पुराणों में जो है तो राम की चर्चा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में जनक नंदिनी के जो विवाह हुआ है जी। उसको लेकर के पहले वो ये सिद्ध करें कि महाराज दशरथ नेपाल में उनकी राजधानी कहाँ थी, और वो कौन सी अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं जिसके जो है तो उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित हो रही है। तो उनकी बात बिल्कुल झूठ है। और ओली ने जो कहा है इसके लिए जो है तो वहां की जो जनता है, देखिए नेपाल में जो है नेपाल की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया है, जनता समझ रही है। लेकिन मयंक जी, अब देखिए वो अब सफाई भी दे रहे हैं अपने इस बयान पर, वो कह रहे हैं कि अयोध्या असल में नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम में से थोरी शहर में है, और क्योंकि पहले संचार का माध्यम भी नहीं था इसलिए स्पष्ट हो जाता है ये। नहीं 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 नहीं, वो जो जिस जहाँ का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पहले वो सिद्ध करें ना कि वहाँ महाराज दशरथ की राजधानी कौन सी है, वहाँ अयोध्या का उनके पास में अभी क्या वो है, प्रूफ क्या है, उसके उत्तर में सरयू प्रवाहित है कि नहीं है। और ऋग्वेद से लेकर के पुराण से लेकर के ओली को तो हमने चैलेंज किया कि आप जो है इस बात को सिद्ध करके दिखाइए, आप जहाँ जिक्र कर रहे हैं वहाँ अयोध्या है। ओली सिर्फ जो है अभी तक तो ये माओवादी नेता थे, लेकिन अब वो आतंकवादी भाषा बोलने लग गए हैं और इसके लिए उनको गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। और यह जो है तो नेपाल जनता ही, आज से ही मुझे पता लग गया है कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है ओली का, और नेपाल की जनता बहुत जल्दी उनको कुर्सी से जो है तो आप देखिए अपने तथ्य भी वो गिनवा रहे हैं। उनका कहना है कि दशरथ ने पुत्र के जन्म के लिए जो यज्ञ किया था वहीं पर किया था। देखिए ऐसा है कि पहले जो है नेपाल जो है ना हमारे बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और बिहार अखंड भारत का भूभाग है नेपाल, तो वहां जैसे वो जो कर रहे हैं कि दशरथ जी यज्ञ किए थे, लेकिन वो अयोध्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं। अयोध्या वैसे तो हमारे जो है तो देखिए वहां हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग भी हमारा वहां पशुपतिनाथ में है। तो दरअसल में पहले हमारे बिहार का ही वो भाग था नेपाल, और बाद में वो जो है तो अलग हुआ वहां से, लेकिन उन्होंने जो अयोध्या का जिक्र किया है कि अयोध्या यहाँ की उत्तर प्रदेश की अयोध्या नकली है और वहाँ उनकी असली अयोध्या नेपाल में है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी वेद में नहीं है। इसके लिए ओली को चैलेंज भी है कि ओली ऋग्वेद से लेकर के किसी भी शास्त्र में इसका जो है, क्योंकि वहां पर ऐसे हालात बन गए हैं इसलिए मजबूरी हो गया उनके लिए बोलना। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज दास जी। यानी कि सीधे तौर पर जो बयान दिया गया है उनके द्वारा बेतुका तो है ही, लेकिन वहां की जनता भी सब समझ रही है। देखिए जरूर यहाँ की जनता सभी समझती है। मेरा एक आग्रह सिर्फ क्या है कि जो प्रधानमंत्री केपी ओली या नेपाल सरकार कुछ इस तरह की हरकतें करती है तो उसमें पूरे नेपाल को न जोड़ा जाए। नेपाल की सरकार की सोच अलग हो सकती है, लेकिन भारत की जो नेपाल की जो जनता है, आम जनमानस है, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। वो नेपाल की सरकार की सोच से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। यहाँ के लोग बिल्कुल मानते हैं कि भारत के साथ जो हमारा एक विशेष संबंध है उसकी तुलना हम किसी देश से नहीं कर सकते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी है, लेकिन हम चाइना से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। एक हमारा विशेष संबंध है, हमारा सदियों से ऋग्वेद के काल से ही हमारा संबंध है। तो इस तरह से जो नेपाल की सरकार है, अभी की कम्युनिस्ट सरकार है,
बिल्कुल नेपाल की जो सरकार है वो इसी संबंध कर रही है, कर रही है, उनका एजेंडा में बार बार ये बात मेरा पार्टी का एजेंडा रहा है। जनता को भी आ रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। जो बयान यहाँ पर दिया गया है, मांग की जा रही है कि केपी ओली माफी भी मांगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।